देवों के देव महादेव। जब भी कोई भारतीय में ऐसी फिल्म बनती है जिसमें कि हिंदू गॉड्स को प्रेजेंट करा जाए, एक अच्छी तरीके से दिखाया जाए जिससे कि ऑडियंस भी खुश रहे, कभी भी कोई बॉयकट वाली चीजें ना आए। फिर भी अयान मुखर्जी जो कि काफी कमाल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी हमारे सामने लाई जिसमें कि हिंदू गॉड्स को कितनी अच्छी तरीके से ऑडियंस से कनेक्ट कराया। फिर भी कुछ महान लोग थे जिन्होंने बॉयकट करा और इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे फोर्स करा कि लोग इसे ना देखें। बट एक अच्छी मूवी को कोई नहीं रोक सकता और इस मूवी ने वो साबित कर दिया जो कि हर एक सुपरहिट मूवी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से बता देती है। अयान मुखर्जी की ये मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जिसने 230 करोड़ हिंदी लैंग्वेज में अब तक कलेक्ट कर लिया है। और जब से इंडियन फैंस ने ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 देखा है, वो सेकंड पार्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। क्या होगी सेकंड पार्ट की स्टोरी, कौन होगा कैरेक्टर और हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो चलिए इसी चीज पर आज बात करते हैं। और बात करते हैं, अयान मुखर्जी ने PTC में एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि उन्होंने पार्ट 2 के बारे में कुछ रिवील्ड करा है, तो एवरीथिंग सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। सब कुछ जुड़ा हुआ है शिवा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है, आप सभी को पता ही है। और मैं अपनी फैमिली के साथ भी ये मूवी देखने को गया था और जब मेरा मन नहीं माना तो मैंने एक बार इस मूवी को दोबारा से देखा था। इस मूवी को अब तक आज का दिन मिलाया जाए, आज है 23 और आज का दिन मिलाया जाए तो 15 दिन हो चुके हैं अब तक थिएटर में रिलीज हुए और आज की दिन की कमाई 10 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। और आप सबको इसका रीज़न भी पता है क्योंकि आज के दिन है सिनेमा डे और इस दिन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे PVR है, आईनॉक्स है, गोल्ड है, ये सब अपनी मूवी टिकट्स को 75 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। और ब्रह्मास्त्र अभी आप चेक करोगे जहाँ पर 75 रुपये टिकट है वो थिएटर सभी के सब फुल है। तो इस कैलकुलेशन से बताया ये जा रहा है कि ये मूवी आज के दिन को मिलाकर करीब 10 करोड़ तो क्रॉस कर ही लेगी और ओवरऑल कलेक्शन 230 हो चुका है 14 दिन तक का, और आज का कलेक्शन और जोड़ दिया जाए तो कम से कम 250 तो क्रॉस कर ही जाएगी हिंदी लैंग्वेज में। बाकी वर्ल्ड वाइड अपने बजट से ज़्यादा ये मूवी क्रॉस कर चुकी है और अब सभी फैंस जिन्होंने इस मूवी को देख लिया वो सब इंतज़ार कर रहे हैं क्या होने वाला है पार्ट 2 में, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा चिंता में था कि भाई क्या करने वाले हैं अयान मुखर्जी, उन्होंने एक ऐसी मूवी बना दी जो कि आने वाले सालों तक चर्चा में बनी रहेगी। और इस मूवी को रिलीज़ करने का फैसला करा जा रहा है कि साल 2025 या 26 तक में इस मूवी को रिलीज़ कर दिया जाएगा और 25 में इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग और कह सकते हो एवरीथिंग सब कुछ। तो अभी हाल ही में निर्देशक अयान मुखर्जी का इंटरव्यू हुआ न्यूज़ एजेंसी PTI में और उनसे पूछा गया कि सभी फैंस एक्साइटेड हैं और सेकंड पार्ट के लिए कोई भी ऐसा सा क्लू नहीं मिला है सिर्फ नाम के अलावा जो कि है देव, तो क्या स्टोरी होने वाली है। तो अयान मुखर्जी यहाँ पर बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो था वो लव स्टोरी के ऊपर था और थोड़ा एक्सप्लोर था कि कैसे इनको वेपन्स मिलते हैं और कैसे शिवा ईशा के प्यार में आकर अपनी ताकत को पहचानता है। और आप सभी ने मूवी तो देखी होगी और हमें एग्जैक्टली वही चीज़ देखने को मिली, शिवा जब ईशा से मिलता है तो वो अपनी पावर को कितना एक्सप्लोर करता है, अपनी पावर को पहचानता है, हमें मूवी में ये सब देखने को मिला। अयान मुखर्जी बताते हैं कि पार्ट 2 में आपको जो देखने को मिलेगा वो देव की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि ओरिजिनल स्टोरी होगी और आप इसको एक प्रिक्वल भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि आपने बाहुबली मूवी देखी पार्ट 1 और जब पार्ट 2 आया तो कम से कम 1.5 घंटे तक तो आपको ओरिजिन देखने को मिला, फिर उसके बाद आगे की स्टोरी देखने को मिली। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, शायद हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कुछ इस तरीके से देखने को मिले कि पहले तो हमें देव की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिले और जब देव आज़ाद हो चुका है उस स्टोन से तो फिर हमें आने वाला फ्यूचर का हिस्सा देखने को मिले, यानी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के बाद का कि देव जब आज़ाद हुआ था तो क्या हुआ। और सभी जानते हैं कि देव का रोल का जो रूमर्स चल रहा है वो कौन प्ले करने वाला है, तो रणवीर सिंह के काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहे हैं कि वो इस रोल को प्ले करेंगे। अयान मुखर्जी ये भी बताते हैं कि जब शिवा और ईशा की स्टोरी चल रही थी तो वहीं पर ही उसके इर्द गिर्द देव की स्टोरी भी रची जाएगी और ये सब हमें एक प्रिक्वल में देखने को मिल सकता है, शिवा की जो माँ थी और जो देव थे वो कैसे मिले, उनमें प्यार कैसे हुआ, वेपन्स के टुकड़े कैसे हुए और देव को कैद कैसे करा गया। और सबसे बड़ा सवाल कि देव एक एक्चुअली में विलेन है या एंटी हीरो है या एक प्रॉपर हीरो है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में।
जो कि शायद हमें हाफ ऑफ पार्ट में पहले देव की ओरिजिन पता चलेगी और हाफ पार्ट में हमें फ्यूचर का पता चलेगा कि अब एक्चुअली में आगे होने क्या वाला है। और इस सीरीज का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं कि साल 2025 में या 26 में ये हमें मूवी देखने को मिलती है या नहीं। और आयान मुखर्जी जो कि अब सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और आपने देखा होगा कि हमारी नडी कम्युनिटीज से कुछ यूट्यूबर्स यानी कि पीजे बादल कॉमिक वर्स देसी नट सुपर सुपर सब मिलने गए थे आयान मुखर्जी से। तो अगर आपको वाला वीडियो भी देखना है कि उन्होंने क्या डिस्कशन लिया ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 से रिलेटेड तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।